प्रदेश में छाए चुनावी माहौल के बीच सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने कानपुर की चर्चित विधानसभा सीट आर्यनगर से अमिताभ वाजपेयी को उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में एक चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया था। इस उद्घाटन समारोह में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की पूर्व सांसद सुभाषिनी अली को भी बुलाया था, जो शगुन के तौर पर नारियल तोड़ रही थी। लेकिन लगातार 5 बार कोशिश करने के बावजूद जब सुभाषिनी अली से नारियल नहीं टूटा तो उन्होंने गुस्से में नारियल ही फेंक दिया। ये बात तो आप भी जानते हैं कि हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य के मौके पर नारियल फोड़ते हैं, फिर चाहे नया वाहन खरीदे या नया घर बनवाए। हिंदू धर्म की इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए सपा प्रत्याशी अमिताभ वाजपेयी ने नारियल की व्यवस्था भी की हुई थी। उद्घाटन के दौरान तमाम नेताओं के साथ ही वामपंथी महिला नेता सुभाषिनी अली भी हाथ में नारियल लेकर फोड़ने लगे। सुभाषिनी अली ने एक दो बार नहीं कुल 5 बार कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद उनसे नारियल नहीं फूटा। फिर गुस्से में उन्होंने नारियल ही फेंक दिया। सांसद सुभाषिनी अली अगर चाहती तो नारियल नहीं फूटने पर किसी नेता को पकड़ा सकती थी, लेकिन गुस्से में नारियल फेंककर एक तरह से उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कारों का अपमान किया। आप भी देखिए ये पूरा वीडियो। कम्युनिस्ट पार्टी की दिग्गज महिला नेता सुभाषिनी अली कानपुर से ही सांसद रह चुकी। उन्होंने 1989 में इस सीट से जीत हासिल की थी। इतना ही नहीं, सुभाषिनी अली की मां कैप्टन लक्ष्मी सहगल एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का हिस्सा होने के साथ ही महात्मा गांधी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आंदोलन से भी जुड़ी हुई थी।